तो वेलकम बैक दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल यू वांट और थैंक्स फॉर द 100 सब्सक्राइबर। तो आप इस चैनल में बने रहना, लास्ट में आपके लिए सबके लिए एक सरप्राइज है। तो आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट की ट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं? स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले ये जो स्क्वायर्स है 1 से लेके कहां तक 10 तक, वो क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब ये आप बोलेंगे क्यों, तो आप देखना ट्रिक में कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ट्रिक कैसे काम करती है। तो ट्रिक को मैं 3 में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट हम लेंगे 3 डिजिट नंबर, सेकंड लेंगे 4 डिजिट नंबर, उसके बाद लेंगे 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1 है उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है। जो 2 का स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर 9, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। 4 का स्क्वायर कितना है, 16, उसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25, उसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो इसके भरोसे हम क्या निकालेंगे, अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो भी कितना फटाफट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 3 डिजिट नंबर वाले, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल कौन सा लूंगा, अभी ऐसे रैंडमली ले लेता हूं मैं, कि एक एग्जांपल लेता हूं 484, ये हमारा स्क्वायर रूट है। तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, आप इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देना, पहली ये 2 संख्या, ओके, और दूसरा ये 1 संख्या, ठीक है। उसको मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ये पहली 2 संख्या और ये 1 संख्या, ओके। तो अभी हमको देखना है कि जो 4 है, ये जो क्या है 4 है, वो जो हमारा 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर है उसके कौन से यूनिट डिजिट में आता है। तो एक तो पता है हमको कितना है, 2 आता है, ओके। अभी एक और ट्रिक बताता हूं दोस्तों, अगर 2 आता है तो कितना आएगा और 8 आएगा, इनकी क्या होगी, ये दोनों की एडिशन कितना आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया, और 8 का स्क्वायर कितना है, 64। तो दोनों की यूनिट डिजिट में क्या थे, 4 थे। आप जैसे देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 9 है, 9 का 81 आया, और यहाँ पे 1 का कितना है, 1 है। तो देखो 9 + 1 कितना आता है, 10। ये दोनों मिला के क्या आने चाहिए, 10 आने चाहिए। तो ये एक ट्रिक हो गई यहाँ से आके, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाए। ये तो हमारा हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं 4 का क्या करे, 4 का क्या करे। तो क्या करना है हमको 4 का, कि ये 4 है ना, यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। 4 क्या करना है, चेक करना है किसमें, इस पूरे डिजिट में। तो 4 किस पे आ रहा, देखो ये 4 डायरेक्ट किस पे आ रहा, 4 पे आ रहा है ना। अगर यहाँ पे सपोज 5 आता, तो हम क्या लेते, 5 किस पे अंदर आता, 4 और 9 के बीच आता, 5 किसके बीच आता, 4 और 9 के बीच आता। तो हमको क्या लेना था, 5 से पहले वाला, मीन्स कितना, 4, हम 4 ही ले लेते। और 4 का क्या आता है, 2, ओके। तो हम क्या लेंगे, 4 का स्क्वायर क्या आता है, 2, सॉरी 4 का रूट क्या आता है, 2। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 तो आ गया, अभी यहाँ से 2 लेना है या 8 लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे एक और देखो क्या करना है आपको, 2 × 3। अभी ये 3 का है, हमको क्या करना है, 2 के बाद जो भी, मीन्स अगर यहाँ पे 3 आता तो 3 के बाद कितना आता, 4 आता। तो हम यहाँ 2 के बाद जो वैल्यू आ रही है, 3 आती है ना, 2 के बाद 3 आता, उसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 3 कितना होता है, 6, ओके। अभी ये चेक करना कि ये 6 4 से बड़ा है या छोटा है, 6 क्या है, 4 से बड़ा है, इस वजह से हम चूज क्या करेंगे, छोटी वैल्यू। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती तो हम क्या चूज करते, बड़ी वैल्यू। तो ये देख लो 6 क्या है, 4 से क्या है, बड़ा है, तो हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 2। तो यहां देख लीजिए आप, ये जो 484 है वो किसका स्क्वायर है, हमारा किसका स्क्वायर है, 484 जो है ना वो किसका स्क्वायर रूट है, 22 का स्क्वायर रूट है। अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे और एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट नंबर का, देख लेते हैं कितना है। तो ये लिखता हूं 729, ये लिख लिया मैंने 729। अभी 729 के लिए क्या करना है, 9 है, 9 किसमें आता है, 3 में आता है, 3 यहाँ पे दिया तो 7 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, ये 2 को सिलेक्ट किया, ये 1 को सिलेक्ट किया, 7 किसमें आता है, 4 और 9 के बीच में, किसमें आता है, 4 और 9 के बीच में। जैसे मैंने पहले बोला था
कि क्या करना है आपको, सेवन जो है ना और उसके कम वैल्यू वाले देने, तुम्हें क्या लेना है फोर लेना है, तो फोर किसका स्क्वायर रूट है टू का, तो मैंने इसके लिए क्या सिलेक्ट किया टू सिलेक्ट किया। अभी इसके बाद क्या करना है थ्री या सेवन देना है, इसके लिए क्या करना है हमको टू इंटू थ्री, क्योंकि थ्री क्यों लिया, टू के बाद क्या आता है थ्री, टू इंटू थ्री कितना आता है सिक्स आता है, ठीक है, तो कितना आता है सिक्स, ये सिक्स है सेवन से छोटा है तो हम क्या देंगे बड़ी वैल्यू देंगे, ठीक है ना। तो ये कितने का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी, सेवन का क्या हो गया स्क्वायर कितना आएगा सेवन ट्वेंटी नाइन, सेवन ट्वेंटी का रूट कितना आएगा ट्वेंटी सेवन, चेक कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ये परफेक्ट वैल्यू है। तो अभी देखते हैं हम फोर डिजिट नंबर का, तो अभी देखेंगे हम फोर डिजिट नंबर का, ये लिखते हैं फोर डिजिट नंबर, उसका भी फास्ट फास्ट करेंगे आपको ट्रिक तो पता ही लग गई है, सेम करना है आपको। तो हम क्या लेंगे अभी अंडर रूट ऑफ फाइव थ्री टू नाइन, ठीक है, अभी क्या लेंगे हम अंडर रूट ऑफ फाइव थ्री टू नाइन, तो देखते हैं अभी इसका कितना, ये दो दो सिलेक्ट कर लिया मैंने, नाइन किस किस पे आता है थ्री पे आता है, और ये किसमें आता है थ्री हो गया, ये सेवन पे आता है, ठीक है। फिफ्टी थ्री किसके बीच में आएगा, फिफ्टी थ्री देखो किसके बीच में आता है, ये सिक्सटी फोर है और ये फोर्टी नाइन है, तो हमको क्या लेना है फिफ्टी थ्री से कम वाली वैल्यू, मीन फोर्टी नाइन, तो फोर्टी नाइन का क्या आएगा यहाँ पे सेवन, थ्री सेवन दे दिया, सेवन के बाद क्या था एट, तो मल्टीप्लाई कर दिया, सेवन इंटू कितना आता है फिफ्टी सिक्स आता है, सेवन इंटू कितना है फिफ्टी सिक्स आता है, तो फिफ्टी सिक्स बड़ा है किससे, फिफ्टी सिक्स बड़ा है किससे फिफ्टी थ्री से, मीन फिफ्टी सिक्स बड़ा है किससे फिफ्टी थ्री से, तो छोटी वाली सिलेक्ट करेंगे, इसलिए ये ऑलरेडी सेवन दे दिया, तो ये क्या है थ्री, मीन हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा किसका होगा सेवनटी थ्री का, ये स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा सेवनटी थ्री होगा। अभी हम देखेंगे फाइव डिजिट का क्या आता है करके, अभी हम देखेंगे फाइव डिजिट का, फाइव डिजिट नंबर, ठीक है, तो फाइव डिजिट नंबर में हम देखते हैं सबसे पहले 10816, ठीक है 10816, तो 10816 का सबसे पहले दो वैल्यू और ये तीन, ठीक है, तो सिक्स किसमें आता है, सिक्स आता है फोर में और सिक्स आता है सिक्स में, ठीक है 108 अभी यहाँ तो 100 लगता है, हमको पता है 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, तो 121 के जितने भी नीचे जो भी नीचे वैल्यू आएंगे वो किसमें आएंगे 100 में, ओके, तो 108 121 के नीचे है तो हम क्या लिख देंगे 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 और यहाँ पे भी लिख दिया 10, ठीक है, तो 10 के बाद क्या है 11, तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 110 से जो वैल्यू है हमारी 108 वो क्या है छोटी है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे छोटी वैल्यू, है ना, हम क्या सिलेक्ट करेंगे छोटी वैल्यू, ये आएगा 104, तो ये 10816 का जो स्क्वायर रूट है कितना आएगा 104 आएगा। देखो ये कितना सेकंड लग रहा है, तीन या चार सेकंड, मैक्स तीन या चार सेकंड में आपका आंसर क्या आ जाएगा। और एक एग्जांपल हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आया 11881, ठीक है, तो ये किसका क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा, देखते हैं, तो हमने ये सिलेक्ट किया, ये किया, ये वन और ये नाइन का आया, 118 किसके अंदर आएगा 10, ये 10 लिख दिया और ये 10 इंटू 11 लिख दिया कितना आया 110, लेकिन ये 110 से ऊपर की वैल्यू है तो हमारे का आएगा 9 आएगा, मीन से 109 का क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी, मीन जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए आप पूरे ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि आपके लिए सरप्राइज है, तो आपके प्यार की वजह से हमारा जो चैनल है वो अभी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रहा है, तो हमारे कितने हो गए 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो 100 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में हमने एक क्या रखा है गिव अवे रखा है, किसका टी शर्ट का, अभी हम हमारी टी शर्ट बनाएंगे तो ऑल यू वॉन्ट के चैनल के नाम से। सो आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और क्या करना है, कंडीशन यही हुई है हमारी इसके लिए कि चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, दूसरी बात इस वीडियो को लाइक होना चाहिए, और हाँ कमेंट करना है, जो जिसकी अच्छी सी कमेंट होगी ना उसी को वो टी शर्ट मिलेगा। सो आप देखते रहिए हमारा चैनल, इसका नाम है ऑल यू वॉन्ट, ऐसे ही मैथ की ट्रिकी वीडियो के लिए। क्वारंटाइन चालू है, इसकी वजह से अभी वीडियो जो है रेगुलरली आएंगे, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।